भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भारत में आने की खबर जैसे ही फैली थी, इसका असर कृषि फसलों के वायदा बाजार पर भी पड़ता दिखाई दिया था और पूरा कमोडिटी बाजार लाल हो गया था। सोयाबीन की कीमतों में भी गिरावट बनती दिखाई दी थी, चाहे वायदा हो या फिर हाजिर, दोनों में गिरावट देखने को मिली थी। वहीं वायदा में गिरावट के बाद फिर से तेजी बनी है। शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोयाबीन में निचले स्तर से खरीदारी निकली और शानदार तेजी दर्ज की गई। शुक्रवार को NCDEX पर सोयाबीन में 4% का ऊपरी सर्किट लगता दिखाई दिया और कीमतें एक बार फिर से 6600 के ऊपर निकलती नजर आई। सोयाबीन के दिसंबर वायदा में शुक्रवार को NCDEX पर 6648 का हाई लगता नजर आया। वहीं जनवरी वायदा 6700 के पार निकलता दिखाई दिया और 5% से ज्यादा का ऊपरी सर्किट लगा। एक्सपर्ट्स अभी यही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी का ही रुझान है, इसलिए कृषि और बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों को अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हालात को देखकर ही इसकी बिक्री करनी चाहिए। दाम अभी इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर जा सकते हैं क्योंकि सोयाबीन प्रमुख तिलहनी फसल है और भारत में तिलहन उत्पादन जरूरत से थोड़ा कम ही होता है। ओमिक्रॉन की स्थिति आगे क्या रहेगी अभी किसी को नहीं पता है। अभी एक्सपर्ट्स भी इसके असर और इसका मार्केट पर कितना प्रभाव होगा इस पर एनालिसिस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।